फाइनल ईयर ट्रेन स्टार्ट हो गई है। और यार ऐसा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ भाई, ट्रेन बस छूटते छूटते बस रह ही गई थी। हुआ क्या है, मैं यार रुको, मैं अच्छा कैमरा बंद कर लेता तो आपको बताता हूँ। तो भाई यार ट्रेन का ये अपडेट है कि यार इसको चलना था 2 बजे, ठीक है, और अभी बज रहा है 6:15। भाई देख लो, ये तब से इसका टाइम चेंज होते 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 अभी इसका टाइम जो है बता रहे हैं 9 बजे के। तो अभी मैं आप लोगों को जो है अंदर चल के दिखाता हूँ, लेकिन इसमें एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है, मतलब बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज। अगर मैं आपको डिसएडवांटेज भी बता देता हूँ, अगर ऐसे आप तो भाई जर्नी स्टार्ट हो गई है मेरी, गुड़गांव से मैं जा रहा हूँ लखनऊ वापस। तो जो आज मेरी ट्रेन है वो है डबल डेकर एक्सप्रेस। तो इसी में यार, इसमें पता है एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज मैं अभी चल के आपको बताता हूँ। बाकी मेरा C7 में लोअर है, मतलब जो नीचे वाली सीट्स हैं, आपको रुको मैं दिखाता हूँ मेरी कौन सी सीट है। ये देखो, ये जो सीट्स है ना यहीं पे है मेरी, जो सबसे लास्ट वाली है वो मेरी सीट है। लेकिन इसमें एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है, मतलब बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज। अगर मैं आपको डिसएडवांटेज भी बता देता हूँ, अगर ऐसे आप लोअर बर्थ में हो तो लोअर बर्थ में यार आपको अपना बैग रखने की जगह ही नहीं है। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि नीचे बैग रखने की इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है। अब मेरा यार बड़ा सूटकेस है और यार वो उसमें आ रहा है, यार क्या नाम है, मैं पैर ही नहीं फैला सकता अब सूटकेस। अभी देखता हूँ मैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम करूँगा, बाकी आपको अंदर चल के दिखाता हूँ क्या कैसे सिंपल। इधर वाली अपनी डबल डेकर है, इधर वाली नॉर्मल ट्रेन है। अब देख लो इसमें से दोनों में कंपैरिजन, डबल डेकर कितनी ऊंची है और ये अपनी नॉर्मल है। और देखो इसमें पूरा नीचे तक गया हुआ है, ये देखो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को जो है अंदर चल के दिखाता हूँ। ये है अपना लोअर डेक, दिखा चुका हूँ। ये है भाई अपर डेक, ये है लोअर डेक। अपना बैठने का इंतजाम हो गया, जगह के बना ली मैंने, बैग यहाँ रखा हुआ है रेड कलर वाला, ये वाला अपना है। अभी चल के बैठते हैं, स्टार्ट होगी तो आपको अपडेट देते हैं। तो भाई यार ट्रेन का ये अपडेट है कि यार इसको चलना था 2 बजे, ठीक है, और अभी बज रहा है 6:15। तो भाई अब देख लो, ये तब से इसका टाइम चेंज होते 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 अभी इसका टाइम जो है बता रहे हैं 9 बजे चलेगी। तो मैंने उसमें रेल कंप्लेंट वाले पे कॉल करके पता किया है, उसमें वो लोग बोल रहे हैं कि सर जो दूसरी ट्रेन है जो वहाँ से चलती है, दूसरी तरफ से आती है, वो यार अभी यहाँ पे पहुँची नहीं है। तो जब वो यहाँ पहुँचेगी उसके बाद ही सर ये वाली ट्रेन यहाँ से चलेगी। और ये जो सीट का मैं आपको बता रहा था, जो नई सीट रिक्लाइन नहीं हो रही है, उसके मैंने कंप्लेंट करी है, देखो क्या होता है, या तो सही करेंगे या तो भाई सीट चेंज करेंगे, एक चीज़ तो करनी ही पड़ेगी यार, क्योंकि ऐसे तो यार मैं 7 घंटे का सफ़र बैठे बैठे नहीं कर पाऊँगा। अभी देखते हैं क्या होता है, अभी आपको बाहर का दिखाता हूँ एक बार, और बाहर का दिखाता हूँ। ये तो अपने बैठने के लिए हो गया, ये यहाँ बैठे हुए हैं, अभी पूरी खाली है, यहाँ से बहुत कम लोग बैठे हैं अभी। और ये स्टेशन के शायद 3 या 4 ही वो होते हैं स्टॉपेज या हॉल्ट्स कह लो, उसके बाद ये सीधा लखनऊ पहुँचेगी। सुनने में तो ऐसा ही है कि तीन स्टेशन बाद लखनऊ पहुँच जाएंगे, पर भाई उसमें भी इसको 7 घंटे लगेंगे पहुँचने में। उसके बाद वहाँ पे कुछ और शायद से स्टार्ट हो जाए मेरा कुछ काम, तो वो भी मैं आप लोगों को जो है सब कुछ बताऊँगा, क्योंकि यार गुड़गांव वाला जो काम था वो नहीं हो पाया,
तो इस चीज़ पर भी मैंने वीडियो बनाई थी, जो अगर आपने नहीं देखी हो तो ज़रूर देख लीजिएगा इस वाली वीडियो के बाद। और वो वाला काम जैसे स्टार्ट होगा तो उसका मैं ज़रूर आप लोगों के साथ उस चीज़ को शेयर करूँगा। और देखते हैं अभी नेक्स्ट वीडियोज़ अब कहाँ की बनाते हैं, क्योंकि दिल्ली की सीरीज़ मैं पूरी कर चुका हूँ, कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या करते हैं। फाइनली यार ट्रेन स्टार्ट हो गई है। और यार ऐसा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ भाई, ट्रेन बस छूटते बस रह ही गई थी। हुआ क्या है, मैं यार रुको मैं अच्छा कैमरा पॉइंट कर लेता तब आपको बताता हूँ। तो मेरे साथ हुआ क्या, मैं यार कुछ खाने के लिए लेने चला गया, क्योंकि यार मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया, भूखा ही बैठा हुआ हूँ मैं। अब मेरे को लग रही थी भूख, तो यार मैं यहाँ से निकल गया, मैं सोचा कुछ खाने को ले लेते हैं। मैं भाई एकदम लास्ट में पहुँच गया और भाई ट्रेन चल पड़ी उतने में। अब भाई मैं सोचा कि चलो दूसरे डब्बे में चढ़ जाते हैं, उधर से भाई चेंज कर लेंगे अंदर से। भाई मेरी है, मेरा जो डब्बा है वो है C7, ठीक है। मैं C10 पे चढ़ गया भाई, C10 में चढ़ा, जो इंटरसेक्शन वाला एरिया होता वो था बंद, ठीक है, मतलब वहाँ से आप चेंज नहीं कर सकते। फिर भाई चलती ट्रेन मतलब चली रही थी, मतलब ज़्यादा वो तो अच्छा था, स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं। फिर मैं क्या कहते हैं उतरा उससे, फिर तुरंत C8 में चढ़ा। फिर उसके बाद मैंने यार इंटरसेक्शन से चेंज करी, वहाँ से यार एकदम छूटते रह गई ट्रेन। और पता है काफ़ी लोगों ने ट्वीट किया था, तो ये ट्रेन चली, अभी देखो फिर खड़ी हो गई, अभी फिर से खड़ी हो गई। अभी भाई पता नहीं कितनी देर खड़ी रहे, किसी को कुछ नहीं पता है। और देखते हैं अभी कितने बजे पहुंचते हैं, ऐसे तो मेरे को 12 बजे पहुंचना था, अब लग नहीं रहा, सुबह 4-5 बजे के पहले पहुंचेंगे, और देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। और जो सीट का था वो सीट भी मेरे रिजॉल्व ही हो गई है एक्चुअली में, तो वो लोग आए नहीं थे, वो एक तो वो बहुत लेट आ रहे थे, तो मेरे जो पीछे भैया बैठे हैं उन्होंने उसको थोड़ा सा खींच के सही कर दिया, तो रिक्लाइन हो गए अपने बढ़िया मस्त सोते हुए जाएंगे। और देखते हैं जो कुछ भी रहेगा आप लोगों को बताने के लिए वो सब बताते रहेंगे। अब भूखा ही बैठा हूँ भाई, तो भाई इतनी भूख लगी थी तो फाइनली बिरयानी मंगा ली है, वेज बिरयानी है ये, तो अभी इसको खाते हैं। और खाते खाते मैं मूवी भी देख रहा हूँ, और ये देखो मस्त बाहर का नज़ारा, ट्रेन फिर से रुक गई है, और साथ में अचार भी दिया, पता नहीं क्यों अचार दिया, अब टेस्ट पता करने के बाद ही चला गया। तो भाई अभी पहुँचा हूँ मैं लखनऊ, और टाइम देख लो कितना हो रहा है, 9 बज रहा है, और यार बैठा कितने बजे था मैं कहीं 5 बजे, भाई आराम से 15-16 घंटे हो गए हैं, ठीक है। और बल्कि इसको पहुँचता कितने बजे था, रात में 11:30 बजे। भाई मैं तो परेशान हो गया, एक तो यहाँ पे ऊपर से बैठे बैठे और परेशान हो गया, तो अभी देखो बस थोड़ी दूर मुश्किल से 1 किलोमीटर भर और बचा होगा, प्लेटफॉर्म आ गए हैं, देखो प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, मुश्किल से 500 मीटर और बचा होगा उतरने के लिए। उतर के फिर वहीं पे आपसे उतर कर आपको वहीं से मिलते, वहीं पे उतर के आपसे मिलते हैं, और जो भी कुछ एक्सपीरियंस जो भी रहेगा मैं सब वहीं पर नीचे उतर के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। हाँ तो भाई मैं उतर गया हूँ, अभी मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। ये रहा भाई अपना सामान। तो भाई एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो यार बहुत ही मतलब क्या बताऊँ, मेरा जितनी भी ट्रेन जर्नी रहती है सब ऐसी रहती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है, किसी में भाई कोई दारू पी के बगल में बैठा रहता है, किसी में गेट के बगल में सीट मिल जाती है, किसी में बेडशीट ख़राब मिल जाती है, किसी में भाई सीट ख़राब मिली, पर मैं सोचा था भाई 7 घंटे का सफ़र है इजीली निपटा देंगे, लेकिन भाई ऐसा हो नहीं पाया। 7 घंटे वो भाई कहाँ हो गए अपने, 15-16 घंटे हो गए, तो यार बहुत ही हार्ड थी जर्नी। और यार मैंने कल रात में जो कि लोग लेके आते ना वेज बिरयानी और ये सब, तो मैंने भाई वो भी खा लिया, भाई इतना ख़राब एकदम, मेरे को वॉमिट सा लग रहा था बहुत ज़्यादा। अभी देखते हैं, यही सब था बताने कि भाई मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि डबल डेकर में यार जाओ तभी जब अगर आपको छोटा ट्रैवल करना हो अराउंड 5 आवर्स का, उससे ज़्यादा अगर ट्रैवल करना है तो यार स्लीपर ले लो या तो यार AC वाली ले लो, और यही मेरा सजेशन रहेगा। बाकी तो मेरा तो एक्सपीरियंस इतना खास नहीं था, लेकिन हाँ फर्स्ट टाइम जर्नी थी मेरी डबल डेकर में, तो वो भी मेरे को देखना था कैसे रहती है। तो चलो अभी तो मैं शायद ये नेक्स्ट टाइम बैठूँगा डबल डेकर में, क्योंकि एक्सपीरियंस वॉज नॉट दैट गुड। तो करते हैं ये वाली वीडियो को यहीं पर ख़त्म, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नेक्स्ट डे।